भी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पराठे खा रही हूँ, पराठे नहीं पराठा खा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारे परेशान से बचाए, आमीन सुमीन। तो चलिए व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। आज मेरे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है और घर की साफ़ सफ़ाई और खाना भी बनाना है, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद मैं निकल भी गई थी सारा काम करके कॉलेज के लिए, और यहाँ मैं कॉलेज से वापस आते टाइम ही वीडियो बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा एडमिशन के लिए मुझे चक्कर लगाने पड़े। तो मुझे पहले ये टेंशन थी कि मेरा एडमिशन हो जाए फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मतलब जब एडमिशन हुआ तो फिर तुरंत ही हम कॉलेज से निकल गए। वैल यहाँ पे मौसम बिल्कुल ही अजीब हो रखा था, एक तरफ धूप थी एक तरफ छाँव थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब मौसम हो रखा था। बादल लेके बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में मत आइएगा क्योंकि बादल तो बहुत सारे थे लेकिन धूप और गर्मी इतनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पर देखिए बदली वाले बादल हैं और ज़मीन पे देखिए कितनी तेज़ धूप पड़ रही है। उसके बाद घर आ गई थी, तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था। नमाज़ पहले पढ़ी मैंने आके क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो गया था, इससे ज़्यादा लेट करती तो नमाज़ का टाइम निकल जाता। और सब सो रहे हैं अभी घर में और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। नमाज़ के बाद मैंने यहाँ पर खाना इन्जॉय किया और फिर मैं किचन में आई तो देखिए अम्मी ये सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करके लाई थी, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। शॉपिंग है ये, शॉपर मुझसे उठाए नहीं उठ रहे, ऐसे उठा के आ ले आई हूँ। फटाफट से इसको ना अच्छे से अरेंज कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है राजमा और फिर यहाँ पे है ये पापड़। पापड़ भी लाई है अम्मी, जो कि हमारे स्नैक्स टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं समझ में आता है और ना ही मैक्रोनी पास्ता खाने का मन करता है, तो उस टाइम के लिए ना ये पापड़ बेस्ट है। और अम्मी लाई ना इतनी ढेर सारी मैक्रोनी ले आई हैं वो, अभी बीच में ना अम्मी का मैक्रोनी से जी बिल्कुल भर चुका था और अभी फाइनली फिर से जो है वो उनको मैक्रोनी पसंद आने लगी है। तो ये कोई जो है वो खुली वाली नहीं अच्छी लगती है, उनको ये पैक्ड मैक्रोनी ज़्यादा अच्छी लगती है और ये क्लीन भी होती है। तो यहाँ पर ये है एक, ये पास्ता है मैक्रोनी और ये अगेन पेने। तो ये रही मैक्रोनी और ये रहा पास्ता, ये पेने शेप का है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अगर अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं ना तो उनका मुझे लगता है ऐसा ये टेस्ट भी डिफरेंट आता है। और साथ में ये है मूंग दाल और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है टमाटो केचप। इस बार हमें ना टॉप्स का लाए, हमेशा हम लोग किसान का लाते हैं, इस बार टॉप्स का केचप लाई है अम्मी, वहाँ अवेलेबल ही नहीं था तो इसीलिए अम्मी को ये टॉप्स का लेना पड़ा। और ये है सूजी रवा, जिसको हम हमेशा मोस्टली हलवा बनाने में ही फिनिश करते हैं पूरी सूजी। ये है चना दाल, ये है न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव ज़ीरो हाई फाइबर, यहाँ पे गुड लाइफ का ये बेसन, ये तूर दाल है, मसूर दाल, सारी दालों की शॉपिंग अम्मी ने, तूर दाल जो है वो यहाँ पे है, मसूर दाल और अगेन यहाँ पे है पास्ता और साथ ही साथ दो डेयरी प्रोडक्ट्स भी अम्मी लाई हैं, वो भी ये मदर डेयरी की चीज़ और साथ ही साथ है ये डेयरी मिल्क का मिनी ट्रीट्स। वैसे तो आजकल मैं डेयरी मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हूँ लेकिन अम्मी लेकर के आ गई हैं, वेल इसे खा के ख़त्म करना ही होगा। तो जो भी यहाँ पे आ गई है चेक करने के लिए कि क्या क्या आया था ग्रोसरी में, आज हम लोग नहीं थे तब ग्रोसरी आई थी तो इसलिए शायद जूबी को पता नहीं होगा कि ग्रोसरी भी आई थी, लेकिन ये तो चली जा रही है, शायद ये पहले देख चुकी है। और ये रहा सारा ग्रोसरी का सामान, ये थी हमारा ग्रोसरी हॉल, ये हमारा मतलब ग्रोसरी हॉल भी और साथ ही साथ मंथली रिफिल।
तो यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो और हमने पापड़ जो है वो खोल के फ्राई भी कर लिया, मतलब हमसे रहा ही नहीं गया टेस्टिंग करने के लिए। हमने पापड़ को फ्राई कर लिया तो इतना मज़े का था कि अम्मी ने दोबारा फ्राई करवाया था, बहुत ही टेस्टी पापड़ थे। फिर ना मैंने बहुत टाइम पहले मैगी मंगा के रखी हुई थी, वो बनाने की नौबत नहीं आ रही थी, तो मैंने फाइनली अभी बना के खाया। इसको बहुत ही मज़े की नहीं बनी थी, बनी भी थी नहीं भी बनी थी, शायद मेरा मुँह का टेस्ट ख़राब होने की वजह से मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, या कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर भी मतलब मैं खाऊंगी रोटी एग, तो उसका एक क्विक सा एग रोल बना के मैं खाऊंगी। ये रहा रोटी, और यहाँ पर देखिए सिस्टर मैगी लिए, क्योंकि उनका मन नहीं था दाल खाने का, तो उन्होंने अपने लिए गिप्पी मंगा ली। और आज चमत्कार हो गया, आज छोटी सिस्टर ने दाल चावल खाया और हम लोग ने नखरे दिखा करके अपनी मन मन की चीज़ें जो है वो बनाने जा रहे हैं। एग डालने जा रही हूँ इस पे पैन पे, बहुत मतलब बेसिक सा मुझे बनाना है, बहुत हैवी नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं मेरे को। ऑयल ना अच्छे से गर्म हो गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारा का सारा एग। मैं इसको ना फ्लिप कर देती हूँ ताकि थोड़ी देर ना ये रोटी भी अच्छे से कुक हो जाए। और देखिए एक परफेक्ट सर्कल शेप मिला है, बस यहाँ यहाँ रह गया है, मुझे इसको थोड़ा थोड़ा सी फैला देना चाहिए था। वेल ठीक है, चले कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अनियन और थोड़ा सा चुकमी ना मैंने कट कर लिया ड्रेसिंग, और अभी फटाफट से मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसके बाद सब कुछ मैं अच्छे से यहाँ पे सेंटर में अरेंज, एग रोल, अनियन, मैं इसमें अनियन शामिल कर दूँगी, साथ में मैंने इसमें इसके लिए कट किया है ये टोमेटो, मैं टोमेटो भी इसमें शामिल कर दूँगी। काफ़ी डिलीशियस लग रहा है अभी से, और आई थिंक थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसमें शामिल करूं ताकि टेस्ट इन्हेंस हो जाए। एंड ऑल्सो अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मेरे पास ना कल की मोमो चटनी है, लेकिन मैं सोच मेरे पास ना कल की मोमो चटनी हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले से मैं सोच रही हूँ पहले से निकाल के देख लूँ कि कहीं इसमें कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी ना तो ये मेरे एग रोल को चार चांद लगा देगी, मतलब मोमो चटनी तो फिर जानते हैं आप कितनी टेस्टी होती है। इसमें से कोई एक्स्ट्रा स्मेल नहीं आ रही है, वियर्ड जो कि स्मेल करे, तो मैं इसको अपने एग रोल पर डाल देती हूँ। थोड़ा सी मैंने एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश की है यहाँ पे टुवर्ड्स माय एग रोल, और आई डोंट थिंक सो किसमें अब किसी भी तरह, मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ले लिया है और मैं इसे अब रोल कर रही हूँ। होपफुली कि ऐसे रोल हो जाए कि इसकी सारी स्टफिंग ना, कुछ भी स्टफिंग बाहर ना आए, सारी स्टफिंग अंदर ही रहे। इट्स लुक्स डिलीशियस, पूरी तरीके से रोल हो चुका है। तो यहाँ पर अपना एग रोल कंप्लीट कर लिया मैंने, और बाहर जैसा लुक आ रहा था इसका पूरा मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि बहुत ही मज़े की बहुत ही ज़्यादा जूसी बना था ये एग रोल, तो मैंने इसे इन्जॉय किया। और आपने अगर ब्लॉग इन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।